हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन ईएमआई मोरेटोरियम को अगले 3 महीनों के लिए और बढ़ाने के ऊपर विचार विमर्श कर रही है। 27 मार्च 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को आदेश दिया था कि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 के बीच में जितने भी लोन ईएमआई की किस्त आ रही है अगले 3 महीने के लिए उनको डेफर्ड कर दिया जाए। लेकिन लॉकडाउन अभी बढ़ने के कारण और जो लोन ईएमआई का मोरेटोरियम अभी 31 मई तक जो लिमिट है वो फिनिश हो रही है, इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगले 3 महीनों के लिए और लोन ईएमआई जो मोरेटोरियम टाइम है उसको बढ़ाने के लेकर विचार विमर्श कर रही है। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि जो अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा हुआ मोरेटोरियम टाइम आप कैसे ले सकते हैं और आरबीआई ने अपनी ऑफिशियल मीटिंग में क्या क्या घोषणा की है, आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और अगर लॉकडाउन के दौरान आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप घर बैठे पेपरलेस फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने शनिवार को सभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के जितने भी चेयरमैन है, जो हायर अथॉरिटी है, साथ में जो एनबीएफसी कंपनी है, उनके साथ बैठक की और जो लोन की ईएमआई मोरेटोरियम है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और सभी बैंकों ने इसको माना भी है। यानी आने वाले कुछ समय में 1 या 2 दिन के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को आदेश दे सकता है कि जो लोन की ईएमआई का जो मोरेटोरियम टाइम है उसको अगले 3 महीनों के लिए और बढ़ाए। 31 अगस्त 2020 तक लोन ईएमआई की मोरेटोरियम सभी कस्टमरों को मिल सकता है। साथ में भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोन मोरेटोरियम ईएमआई को एक्सटेंशन के लिए लेटर लिखा है। यानी चारों तरफ से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एनबीएफसी कंपनियां हैं, यहां तक कि भारतीय संघ बैंक यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी आरबीआई को 3 महीने के लिए और आगे जो लोन का ईएमआई या मोरेटोरियम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई को 27 मार्च 2020 को लोन ईएमआई मोरेटोरियम जो सभी कस्टमरों को बैंकों को देने की घोषणा की थी उसका सख्ती से पालन हो। यानी अगर हम फ्यूचर की बात करें, यानी अगर नेक्स्ट 3 मंथ के लिए अगर लोन मोरेटोरियम एक्सटेंशन होता है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पालन होगा। आपको पता होगा जो लोन ईएमआई मोरेटोरियम था जो 1 मार्च को दिया गया था वो बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां या 1-2 ऐसे प्राइवेट बैंक थे जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। 1 जून 2020 से जो लोन ईएमआई मोरेटोरियम एप्लीकेबल होगा वह सभी के ऊपर, चाहे वो कोई भी बैंक हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट बैंक हो या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी हो, सबके ऊपर सख्ती से लागू होगा और सभी कस्टमरों को इसका फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है तो बहुत ही जल्दी यह अपने कस्टमरों को खुशखबरी मिलने वाली है कि जो 3 मंथ का जो नेक्स्ट जो मोरेटोरियम टाइम है बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। बैठक हो चुकी है, 1-2 दिन में इसका ऐलान हो जाएगा। 31 मई 2020 को जो लोन ईएमआई मोरेटोरियम टाइम है, एग्जिस्टिंग प्लान अभी खत्म हो रहा है, इस प्लान के खत्म होने से पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने गाइडलाइन प्रेजेंट कर देगा और उसी को देखते हुए आप लोग मोरेटोरियम टाइम ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जो ये एक्सटेंडेड ईएमआई मोरेटोरियम टाइम है आप कैसे ले सकते हैं। जो पहले जो ईएमआई मोरेटोरियम टाइम था उसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि लोन की ईएमआई मोरेटोरियम कैसे मिलेगा। इसके लिए मैंने, चाहे आपका बैंक किसी भी अकाउंट में हो, चाहे आपका बैंक एसबीआई में हो, एचडीएफसी में हो, एक्सिस में हो या फिर कोई भी एनबीएफसी कंपनी हो जैसे कि बजाज फिंजरा किस्त, कोई भी होम क्रेडिट ऐसी कोई भी कंपनी हो, सबके लिए मैंने पूरी तरह से आपको पूरा ब्यौरा वेबसाइट पर दे दिया है, www.digitalhelper.in। इस वेबसाइट के अंदर मैंने पूरा आपको बता दिया, साथ में जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उधर भी आपको लिंक दे दिया है। जैसे ही मोरेटोरियम टाइम एक्सटेंड होता है आप वेबसाइट से पूरा चेक कर सकते हैं कि आपको जो एक्सटेंडेड मोरेटोरियम टाइम है वो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर मैंने वेबसाइट के ऊपर डाल दिया है। इधर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी www.digitalhelper.in। इस वेबसाइट पर जाके आप किसी भी बैंक में, आपका बैंक अकाउंट हो, कहीं से भी आपका ईएमआई लोन चल रहा हो, सभी का मैंने वेबसाइट के अंदर अपडेट कर दिया है, प्लीज चेक कर लीजिए और आप ईएमआई मोरेटोरियम का लाभ उठा सकते हैं। और अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्या मोरेटोरियम ये इंटरेस्ट फ्री होगा? इसके ऊपर अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई की गाइडलाइन नहीं आई है। अगर कोई आरबीआई की गाइडलाइन और मोरेटोरियम के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो मैं सबसे पहले चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो हो सकता है दोस्तों 1 या 2 दिन के अंदर आपको जो 6 मंथ के लिए मोरेटोरियम टाइम मिल जाए, बहुत ही जल्दी ये न्यूज आप लोगों को मिल सकती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में आपको कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में
कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।